दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. एलिवेटेड निर्माण चल रहा है, इससे पूर्व भी कम से कम 5 साल से स्टैंड रोड व्यापारी संघ की तरफ से मैं अपील कर चुका हूँ कि जो KEM के सामने की लाइन है वहाँ बरसाती पानी की बिल्कुल निकासी नहीं है और जब भी बारिश बेमौसम और मौसम में आती है विकट स्थिति हो जाती है. न ट्रैफिक ढंग से चल पाता है और ना ग्राहकी हो पाती है दुकानदारों की. एलिवेटेड निर्माण के दौरान इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी जो रोड निर्माण का काम करना था इनको उन्होंने करा नहीं. केवल पिल्लर के चारों तरफ इन्होंने डामरीकरण कर दिया, लेकिन यथा स्थिति आप खुद देख सकते हैं. इसके अंदर कई प्रकार से कई लोग जिसमें लेडीज़ें भी हैं गिर चुके हैं इन खड्डों में. अभी जैसे आपने कवरेज किया बहुत दयनीय स्थिति में है. इसलिए मैं प्रशासन को कह रहा हूँ कि कृपा करके इस ओर आप ध्यान दीजिए और इस निजात दिलाइए व्यापारियों को जो और आम जन को जो तकलीफ हो रही है. अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी आपने खुद ने कवरेज किया है कि व्यापार तो बिल्कुल कर नहीं सकता. एक ग्राहक को वहाँ पहुँचने के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इंग्लैंड का एस्केप चैनल पार कर रहा है, उस तरीके से उसको पानी का पार करके जाना है. कौन कस्टमर आएगा? व्यापारी ठाला बैठा हुआ है. प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है. मैंने ऊपर आला अधिकारियों से भी बात करी है तो वो ये कह रहे हैं कि हम नाले का निर्माण जो कार्य चालू कर रखा है हमने गांधी भवन से, वो यहाँ तक अंधेरी पुलिया तक जुड़ेगा जब तक आप इंतजार करें. करीब ये हमारे आमने सामने मिला के 80 दुकान है, जबकि इस तरफ जो व्यापार है इस लाइन में ज़्यादा है. करीब 36-38 दुकानें हैं जिसमें से 22 दुकानें इस पानी की वजह से और व्यापारी परेशान हैं. बालेश गोयल, स्टैंड रोड व्यापारी संघ अध्यक्ष.